नमस्कार, मैं डॉक्टर जैन बालिया NIOS के इस विशेष प्रसारण में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम जब छात्रों के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, उससे संबंधित कक्षा में प्रयोग में लाई जाने वाली विभिन्न शिक्षण विधियों की बात करते हैं, आज हम खोज विधि की बात करेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर ऋषभ कुमार मिश्रा जी हैं, वो गांधी विश्वविद्यालय वर्धा से आए हुए हैं। वहाँ पर वो सहायक आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मैं आग्रह करूँगा डॉक्टर ऋषभ कुमार मिश्रा जी से कि वो खोज विधि के बारे में विस्तार से चर्चा करें, बताएं कि खोज विधि क्या है, खोज विधि के जो अलग अलग सोपान हैं वो क्या है, खोज विधि को हम अलग अलग विषयों में किस तरह से प्रयोग में ला सकते हैं, एक शिक्षक को किन खास बातों का ख्याल रखना है खोज विधि के प्रयोग में, और साथ ही साथ खोज विधि की कुछ सीमाएं भी क्या हैं उसके बारे में भी चर्चा करें। डॉक्टर ऋषभ कुमार मिश्रा, धन्यवाद डॉक्टर वालिया। नमस्कार साथियों, जैसा कि डॉक्टर वालिया ने बताया, आज मैं आपके सम्मुख खोज विधि से संबंधित विचार रखने जा रहा हूँ। कक्षा में जो परंपरागत शिक्षण होता है उस वह प्रायः विषय वस्तु केंद्रित होता है, जिसमें विद्यार्थी में निहित खोजी प्रवृत्ति को संज्ञान में नहीं लिया जाता है। इस तरह के शिक्षण में क्या जानना है पर तो बल दिया जाता है, लेकिन विद्यार्थी कैसे जान सकते हैं इस पक्ष को संबोधित नहीं किया जा सकता। जबकि हमारी वर्तमान सिद्धांत और अभ्यास इस मान्यता पर आधारित हैं कि सीखने वाला ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता है और उसकी क्षमताओं को हमें कक्षा में अधिगम गतिविधियों के माध्यम से संवर्धित करना चाहिए। इस परिस्थिति में हमारे पास खोज विधि एक ऐसे विकल्प के रूप में है जिसके द्वारा हम बच्चे को खोजकर्ता की भूमिका में कक्षा में सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में स्थापित कर सकते हैं। वस्तुतः खोज विधि बच्चे को एक वैज्ञानिक की भूमिका में देखती है। बच्चे स्वयं आंकड़े, प्रमाण एवं दावे एकत्रित करते हैं, वे ज्ञान के निर्माता होते हैं, और खोज विधि में संलग्नता उच्च मानसिक क्रियाएँ जैसे संश्लेषण, विश्लेषण, तर्क, तुलना, डिजाइन आदि को विकसित करने के काम में भी आती है। इस प्रकार से खोज विधि की विशेषताएं हमें परंपरागत शिक्षण की समस्याओं से निजात पाने में मदद करती हैं। वे एक ऐसी विधि के रूप में हमें तैयार होने का मौका देती हैं जहां हम विद्यार्थी को वैज्ञानिक मानते हुए उसे स्वाभाविक समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि खोज विधि के कुछ चरण होते हैं। इन चरणों में सबसे पहला और मुख्य चरण है समस्या की पहचान करना। प्रायः यह शिक्षक के पक्ष में दायित्व आता है, वह किसी ऐसी समस्या का पहचान करे जिस पर उसके अधिगमकर्ता समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित हों। जब आपने समस्या की पहचान कर ली तो उसके समाधान के लिए अवलोकन और प्रयोग करने की भी नीति अपनाई जाती है। ये अवलोकन और प्रयोग इस लक्ष्य द्वारा निर्देशित होते हैं कि हम समस्या का समाधान ढूंढ लें। अवलोकन और प्रयोग द्वारा समस्या का समाधान जिन विकल्पों में ढूंढा जाता है उनका मूल्यांकन भी खोज विधि का एक महत्वपूर्ण चरण है। वस्तुतः समाधान का मूल्यांकन ही बताता है कि हमारा प्रयोग किस अर्थ तक सही रहा है या वह हमारे समस्या के समाधान में मदद कर रहा है। अभी मैंने खोज विधि के जिन चरणों को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया उन्हें एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना चाहूँगा। ये उदाहरण वास्तव में आपको कक्षा में खोज विधि के क्रियान्वयन की नीति के विकास में मदद करेंगे। मान लीजिए कि आप अपनी कक्षा में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन विषय का अध्यापन करना चाह रहे हैं, अर्थात आपने समस्या के रूप में यह पहचाना कि पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में किस प्रकार बदलते हैं, इसका विद्यार्थियों को अधिगम करवाना है। इस पाठ की तैयारी के लिए आप एक शिक्षक के रूप में रोज़मर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं जैसे मोमबत्ती, चीनी, पानी, मक्खन आदि एकत्रित करें। इसके साथ प्रयोग करने के लिए स्प्रिट लैंप और एल्युमिनियम प्लेट की व्यवस्था करें। पाठ के पूर्व इस तरह की तैयारी के उपरांत जब आप कक्षा में उपस्थित हों और खोज विधि द्वारा अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहें तो कक्षा को निर्देशित करें कि किसी एक वस्तु का चुनाव आप कीजिए और उसकी अवस्था को नोट कर लें। अब स्प्रिट लैंप के साथ उस वस्तु को गर्म करने का प्रयास करें। इस तरह आपने कक्षा के सम्मुख एक समस्या प्रस्तुत की। इस समस्या में विद्यार्थी को खोज करना है क्या पदार्थ की अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं।
चर्चा को सुगम करने के लिए आपने विद्यार्थी को एल्युमिनियम प्लेट और स्प्रिट लैम्प भी प्रदान कर दिया। अब विद्यार्थी अपने अपने सीट पर समूह में या एकल रूप से एल्युमिनियम की प्लेट पर अपेक्षित सामग्री को गर्म करते हैं। जब विद्यार्थी इस प्रयोग को कर रहे होते हैं तो आप उन्हें यह निर्देशित करें कि वे अपने अवलोकनों को इस प्रकार की सूची में दर्ज करें जिसमें पदार्थ का नाम, गर्म करने के पूर्व की अवस्था, गर्म करने के बाद की अवस्था और अवस्था में परिवर्तन के स्तंभ हो सकते हैं। विद्यार्थी जब इन सूचनाओं को दर्ज कर लें तो इसके आधार पर कक्षा में आप चर्चा प्रारंभ करें, अर्थात किस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ, किस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। विद्यार्थी के प्रयोगों के आधार पर कक्षा चर्चा आयोजित करके आप एक निष्कर्ष की ओर बढ़ सकते हैं। इस उदाहरण में आपने देखा समस्या की पहचान, पहचान के साथ अवलोकन और प्रयोग के परिणामों को दर्ज करना और उसकी सहायता से निष्कर्ष की ओर बढ़ने के माध्यम से आपने विद्यार्थियों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित किया और आपकी भूमिका मार्गदर्शक की रही। देखिए डॉक्टर ऋषभ मिश्रा, आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया कि किस तरह से हम खोज विधि का प्रयोग एक कक्षा में कर सकते हैं, एक अध्यापक उसके लिए क्या क्या, उसके चरण क्या होने चाहिए, किस क्या क्या उसके स्टेप्स होने चाहिए। जब हम खोज विधि की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं खोज विधि खास तरह से विज्ञान और गणित में बहुतायत यूज़ की जाती है और बल्कि भाषाओं में भी, भाषा शिक्षण में भी मेरे विचार से इसको यूज़ किया, प्रयोग में लाई जा सकती है। आपने कुछ उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया। और अब एक बात हम ये भी करते हैं कि शिक्षण कला में शोध विधि का प्रयोग अगर हम करना चाहें तो क्या इसके लिए कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है या अध्यापक को किस तरह का प्रयोजन, किस तरह का क्लासरूम में जो एक व्यवस्था है वो किस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे कि खोज विधि का प्रयोग वो समुचित कर पाए। डॉक्टर वालिया, यह सवाल बहुत ही प्रासंगिक है। एक विधि के रूप में हम पहचानते हैं कि खोज विधि हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन यह शिक्षक से मांग करती है वह संवेदनशील हो, जागरूक हो और जिज्ञासु हो, अपने परिवेश से, विद्यार्थियों के परिवेश से ऐसी समस्या की खोज करे जो कक्षा में सीखने के लिए प्रयुक्त की जा सके। इस समस्या को खोजना शोध विधि के प्रयोग का प्रथम आधार है। जब शिक्षक किसी ऐसी समस्या की पहचान कर लेता है जिसका शोध विधि द्वारा अध्यापन किया जा सकता है तो उसकी तैयारी का दायित्व भी शिक्षक का होता है, अर्थात शिक्षक केवल विद्यार्थियों के सम्मुख समस्या को प्रस्तुत नहीं करता है बल्कि किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी, कक्षा में किस प्रकार की चर्चा होगी, किस तरह की सहभागिता के पैटर्न होंगे, इस बारे में भी शिक्षक को सम्यक तैयारी करनी चाहिए। हालांकि कई बार यह सुझाव दिया जाता है कि सिर्फ कक्षा के सम्मुख समस्या को प्रस्तुत किया जाए और विद्यार्थियों को समस्या समाधान के रास्ते चुनने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की जाए, लेकिन यहाँ मेरा मानना यह है कि यदि आप प्राथमिक कक्षा में खोज विधि के प्रयोग का अभ्यास शुरू कर रहे हैं तो शुरुआती दौर में आपको उस खोज विधि की पूरी योजना स्वयं तैयार करनी चाहिए। धीरे धीरे आपकी कक्षा जब इस प्रकार की संस्कृति की अभ्यस्त हो जाएगी तो वह उच्च स्तर पर जाकर अपने आप खोज के रास्ते, खोज के प्रारूप, खोज की योजना को बनाने में समर्थ होगी। हाँ, आपको यह ध्यान रखना होगा कि कक्षा में खोज की समस्या क्या होगी, उसके लिए कौन सी सामग्री आवश्यक है, किन प्रश्नों से विद्यार्थियों की जिज्ञासा को जगाया जाए, कौन से क्रियाकलाप कराने हैं, वे कार्य एकल रूप से होंगे या समूह रूप से होंगे। इसी तरह यह भी ध्यान रखना है कि खोज विधि में कक्षा का केंद्र विद्यार्थी होते हैं, अतः पाठ की प्रस्तावना के बाद तुरंत विद्यार्थियों की सक्रियता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। शिक्षक खोज विधि के दौरान विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। यहाँ मार्गदर्शन करने का अर्थ है कि उनके बीच संवाद को उत्प्रेरित करें, उनसे विचार उत्तेजक सवाल पूछें। जैसे यदि मैंने जो उदाहरण दिया अवस्था परिवर्तन का, यदि मक्खन की अवस्था ठोस से द्रव हो रही है तो विद्यार्थियों से विचार उत्तेजक सवाल पूछा जा सकता है, क्या लगातार गर्म करते रहने पर यह वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, भाप में परिवर्तित हो जाएगा या ठंडा करने पर पुनः मक्खन बन जाएगा। इस तरह के सवाल उनके बीच संवाद को उत्प्रेरित करेंगे, साथ साथ जिज्ञासा और प्रयोग को नई दिशाओं में भी आगे बढ़ाने में मददगार सिद्ध हो सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया में शिक्षक विद्यार्थियों के विचार को परिष्कृत करे तो सार्थक अधिगम संभव होता है। अभिप्राय यह है कि विद्यार्थी जिन प्रयोगों को कर रहे हैं, जिन अवलोकनों को दर्ज कर रहे हैं,
उनसे वे कुछ परिणाम तो निकाल सक रहे हैं लेकिन वे परिष्कृत नहीं है। इस अवस्था में इस दृष्टि से शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह कैसे उनके विचारों और निष्कर्षों को परिमार्जित और परिष्कृत करने का कार्य कर रहा है। उदाहरण के लिए जो अभी मैंने उदाहरण जो कार्य मैंने आपसे साझा किया, विद्यार्थी अक्सर कहेंगे कि एक जमी हुई वस्तु गल रही है, वे वास्तव में ठोस के द्रव बनने की प्रक्रिया की ओर इशारा कर रहे हैं लेकिन इसके लिए उनके पास वैज्ञानिक शब्दावली नहीं है। एक अध्यापक के रूप में जब आप कक्षा को मार्गदर्शित कर रहे होंगे, खोज विधि का प्रयोग कर रहे होंगे, तो आपका दायित्व विचारों के परिष्करण करने का भी है। यहाँ आप बताएं जमी हुई वस्तु के बदले वे ठोस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं और गली वस्तु के बदले द्रव शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आप विद्यार्थी के दैनिक ज्ञान को वैज्ञानिक ज्ञान की ओर रूपांतरित करने का भी कार्य करेंगे। यह भी उल्लेखनीय है कि सभी विद्यार्थी कक्षा के बराबर के हिस्सेदार और सहभागी हैं, इसलिए खोज विधि में समस्या को आप कक्षा के सम्मुख प्रस्तुत करें। यह प्रयास करें कि पूरी कक्षा उस कार्य में भागीदार हो। मैंने जैसे कहा कि शिक्षक कक्षा में चर्चा को परिष्कृत करते हैं, इसमें शिक्षक द्वारा पूछे गए सवालों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप कक्षा में प्रायः ऐसे सवाल पूछें, आप अवलोकन से क्या अनुमान लगा सकते हैं, पूर्व की गतिविधि और इस गतिविधि के परिणामों में कोई अंतर या समानता है, यदि प्रयोग की स्थिति बदल दें तो क्या परिणाम बदलेंगे, क्या आप अपने साथी के मत से सहमत हैं। वास्तव में ये इस तरह के सवाल न केवल कक्षा की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं बल्कि परंपरागत शिक्षण में सवाल के निश्चित उत्तर की परिपाटी से भी हटने में मदद करते हैं। यह सवाल कक्षा में विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने में मदद करते हैं और खोज विधि की आधारभूत मान्यता एक से अधिक समाधान के रास्ते और हर रास्ते के औचित्य उत्तर की खोज के लिए भी विद्यार्थियों को जागरूक करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं। अब तक मैंने आपको खोज विधि के जिन चरणों के बारे में चर्चा की, जो उदाहरण दिए, जिन तैयारियों की बातें की, उसके आधार पर खोज विधि के कुछ अलग अलग चरणों को भी मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूँगा। जैसे खोज विधि का प्रथम चरण होता है समस्या प्रस्तुति। एक अध्यापक के रूप में आपने अपने अधिगमकर्ताओं के सामने कोई समस्या प्रस्तुत की, पुनः स्वयं कक्षा का भागीदार होते हुए आप उस समस्या पर मंथन और मनन के लिए अपने विद्यार्थियों को अवसर देते हैं। अब कक्षा उस समस्या के समाधान के लिए मंथन के उपरांत कार्य योजना या परिकल्पना का विकास करती है। यह परिकल्पना केवल किताबी दस्तावेज या लिखित रूप से न रह के उसका क्रियान्वयन भी आवश्यक है। अब विद्यार्थी आपके निर्देशन में उस समस्या के समाधान की कार्य योजना का क्रियान्वयन करते हैं, वे आंकड़े भी एकत्रित करते हैं। जब क्रियान्वयन के दौरान वे आंकड़े एकत्रित कर लेते हैं, उसका विश्लेषण खोज विधि का महत्वपूर्ण चरण है और यहाँ शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आप जिस उद्देश्य से उस गतिविधि का आयोजन कर रहे हैं उसका प्रकटीकरण विश्लेषण की अवस्था में होता है, यहाँ यह विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है। जब आपके कक्षा में समस्या की प्रस्तुति हुई, मंथन और मनन के उपरांत एक रास्ता चुना गया, उस रास्ते पे योजना का क्रियान्वयन किया गया और विश्लेषण किया गया, तो इस पूरी चर्चा को बांधने के लिए कक्षा में विचारों की साझेदारी भी आवश्यक है। इसके बिना सारी कक्षा खोज विधि से लाभान्वित नहीं हो सकती। कक्षा में विचारों की साझेदारी आपको अवसर प्रदान करती है कि अलग अलग विद्यार्थियों ने जिस विचार के साथ कार्य किया है वह पूरी कक्षा के सम्मुख प्रस्तुत हो, सभी लोग उससे लाभान्वित हों और स्वयं कक्षा एक ऐसी संस्कृति की भागीदार बने जहां न केवल विचार खोजे जाते हैं बल्कि विचार साझा भी किए जाते हैं। ये हमारे बीच में डॉक्टर ऋषभ मिश्रा जो खोज विधि के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, इन्होंने हम सबको बताया, अपने स्पष्ट विचार प्रस्तुत किए कि ये हमारी जो खोज विधि है वो क्या है और किस तरह से इसका प्रयोग एक शिक्षक, चाहे वो गणित का शिक्षक हो, विज्ञान का शिक्षक हो, किसी विषय का शिक्षक हो, कैसे उसको प्रयोग में ला सकता है, किन किन चरणों का उसने ध्यान रखना है, किन किन स्टेप्स का ध्यान रखना है, बहुत अच्छी तरह से बताया। मैं चाहूँगा डॉक्टर ऋषभ कि आप हमें ये भी बताएं कि जो खोज विधि है क्या इसका प्रभाव हमारी संस्कृति पर भी पड़ता है, हमारे माइंडसेट, हम जो सोचते हैं हमारी सोच पर भी पड़ता है, क्योंकि एक छोटी क्लासेस में हम मान के चलते हैं जब बच्चा एक पाँचवीं क्लास से छठी या सातवीं आठवीं इन सब क्लासेस में जो बच्चे होते हैं उनकी मानसिक स्थिति जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या हम ये इन शिक्षक विधियों से उनकी मानसिक स्थिति को भी नियंत्रण में ला सकते हैं और मानसिक स्थिति के साथ ही साथ उसका जो संस्कृति है
उसका भी हम ध्यान रख सकते हैं, इस पर थोड़ा सा संक्षिप्त में अपने विचार दें। डॉक्टर वालिया, ये सवाल बहुत ही प्रासंगिक है कि खोज विधि का कक्षा की संस्कृति और विद्यार्थी के खुद के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। खोज विधि का प्रयोग करने से सर्वप्रथम विद्यार्थी सीखने के लिए उत्साहित होते हैं, उनकी जिज्ञासा का पोषण होता है, वे स्वयं से आगे आना चाहते हैं। यदि मैं कहूँ तो उनमें वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास होता है, न केवल कक्षा में बल्कि अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में भी वे वैसे ही खोज करना चाहते हैं जैसा कक्षा में खोज करने के लिए उन्हें अभिप्रेरित किया जाता है। कक्षा के संदर्भ में इसका सर्वाधिक प्रमाण यह होता है कि विद्यार्थी कक्षा में सवाल पूछना प्रारंभ कर देते हैं। वस्तुतः यह सवाल खोज विधि के सार्थक होने का प्रमाण है, जहाँ विद्यार्थी केवल अवलोकनकर्ता नहीं है बल्कि वह उसके पीछे निहित कारणों की खोज करने के लिए भी प्रेरित हो रहे हैं। इस प्रकार से खोज विधि एक अलग प्रकार की कक्षा संस्कृति की स्थापना में मददगार होती है, जहां विद्यार्थी विषय के बाहर जाकर विषय से जुड़ी अन्य प्रयोजनमूलक विशेषताओं को कक्षा में ले आते हैं, अपने अनुभवों पर विचार करते हैं और उसके पीछे के कारणों की खोज करने लगते हैं। इसका एक लाभ यह भी होता है कि अधिगम के अनेक तरीकों का कक्षा में समावेश होने लगता है। केवल पुस्तक आधारित अधिगम, विद्यार्थी केंद्रित अधिगम के बजाय आप ऐसी गतिविधियों का चुनाव करते हैं जो उनके परिवेश से जुड़ी हुई हैं, ऐसे संसाधन ले आते हैं जो उन्हें उपलब्ध तो हैं और जिनके माध्यम से वो समस्या की खोज कर सकते हैं या समस्या को पहचान सकते हैं। हाँ, यह विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है कि कक्षा में आपके उद्देश्य स्पष्ट एवं परिभाषित होने चाहिए, अर्थात समस्या की डिजाइन यदि ढीली होगी तो विधि अपने आप बिखर जाएगी। यदि आपकी समस्या सुस्पष्ट है, विद्यार्थियों की भूमिका स्पष्ट की गई है, वे किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं, यह सारी बातें उन्हें स्पष्ट हैं और उन्हें इस तरह की आज़ादी भी दी गई है कि वे अपनी समस्या का समाधान ढूंढें, तो विद्यार्थी खुद आगे बढ़ के जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और एक वैज्ञानिक के रूप में खोज करने के लिए प्रेरित होते हैं। शिक्षक की भूमिका के रूप में आप उस बाल वैज्ञानिक का मार्गदर्शन करते हैं, विचारों को परिष्कृत करते हैं, उसमें यह विश्वास पैदा करते हैं कि वह खुद विचार कर सकता है, उस विचार के समर्थन में प्रमाण इकट्ठा कर सकता है और उसके प्रमाण इतने वैध हैं कि पुस्तकीय ज्ञान के समतुल्य या उसके बरक्स वह उसे कक्षा में प्रस्तुत भी कर सकता है। यह प्रक्रिया एकाकी न होके बल्कि समूह अधिगम को भी बढ़ावा देने वाली होती है, इससे विद्यार्थियों में सामूहिकता की भावना का भी विकास होता है। डॉक्टर ऋषभ, आपने बहुत सारगर्भित किया हम सबको इस बारे में और बताया कि जो खोज विधि है उसके अलग अलग चरण क्या है। अब अंत में मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इस खोज विधि का एक सार प्रस्तुत करें, जिससे कि हमारे जो शिक्षार्थी हैं उनको पता चल पाए कि खोज विधि को संक्षिप्त में क्या है, इसके चरण कौन कौन से होते हैं और इसका महत्वपूर्ण जो बात आपने सार में प्रस्तुत करने में रखनी है कि इसको हम अलग अलग विषयों में कैसे प्रयोग में लाते हैं। इस विधि के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक विद्यार्थी केंद्रित विधि है, अर्थात शिक्षक के माध्यम से विद्यार्थी के चारों तरफ जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन्हें कक्षा में अधिगम समस्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और विद्यार्थी समस्या के समाधान के लिए स्वयं को सक्रिय करते हुए जिज्ञासा मूलक सवालों के साथ समस्या का समाधान करने के लिए आगे बढ़ते हैं और नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि इस विधि में ज्ञान निर्माण का सारा दारोमदार विद्यार्थी के ऊपर होता है, शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका में होते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच अंतःक्रिया के लिए जिस समस्या को, जिस विधि को चुना गया है उसके द्वारा पुस्तकीय ज्ञान को तो हम प्रदान करते हैं लेकिन वह गौण हो जाता है, जानने की विधि हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। खोज विधि विद्यार्थियों में जानने के तरीकों के प्रति भी जागरूकता पैदा करती है, वे मानने लगते हैं कि केवल शिक्षक की कही बात को सुनना ही सीखना नहीं है बल्कि वे खुद से कुछ कर भी सीख सकते हैं। वे आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं, दावे इकट्ठा कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, प्रमाण मांग सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। इस तरह से कक्षा में जिज्ञासा और वैज्ञानिक अभिवृत्ति का पोषण होता है। इसके साथ साथ यह भी उल्लेखनीय है कि खोज विधि का प्रयोग शिक्षक की रचनात्मकता को भी बढ़ावा देता है। एक शिक्षक के रूप में आपको अपनी कक्षा के लिए केवल एक समस्या नहीं ढूंढनी है बल्कि उस समस्या के लिए संसाधन, कक्षा को सहभागी बनाए रखने के लिए शिक्षण शास्त्रीय युक्तियाँ और विचारों को साझा करने के लिए, कक्षा की चर्चा को उत्प्रेरित करने के माध्यम
ये जो खोज विधि के चरण हैं इसके माध्यम से शिक्षक की रचनात्मकता भी संवर्धित होती है। कुल मिला के यह कह सकते हैं कि खोज विधि एक ऐसी शिक्षण विधि है जो शिक्षक और विद्यार्थी की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करती है और शिक्षण में परंपरागत पुस्तक आधारित विधि के बदले खोज कर एक वैज्ञानिक के रूप में सीखने की भावना का पोषण करती है जो वृहत्तर तरीके से कक्षा को लोकतांत्रिक बनाने के लिए उपयोगी होता है। डॉक्टर ऋषभ मिश्रा आज हमारे बीच में हैं और इन्होंने एक विस्तार से चर्चा की खोज विधि के बारे में और सभी शिक्षार्थियों को बताया कि खोज विधि किस तरह से हमारे दैनिकचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहिए। मैं आपका इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने अपना समय निकाला और शिक्षार्थियों को इस बारे में ज्ञान दिया और ये भी बताया कि इस विधि का कला संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह से हमारे एक छात्र जो हैं उत्कृष्ट प्रदर्शन की ओर जा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने हम अपना दीपक स्वयं बने हम अपना रास्ता स्वयं चुने पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो मित्रों हम उठे और जागे घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं
जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो, प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्र केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज ना लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो, मित्रों हम उठे और जागे, ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों